जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 अगस्त से रोज होगी सुनवाई। 27 जुलाई तक सभी पक्षकार जवाब दाखिल करेंगे। दूसरी खबर, मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझावों पर गौर करने के निर्देश दिए। पीड़ित पक्षों की याचिका पर राज्य सरकार को हर्जाना देने और उजड़ गए गांव को फिर बसाने की मांग की गई है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, बिहार विधानसभा में आज फिर हुआ जमकर हंगामा। बीजेपी ने मांगा तेजस्वी यादव का इस्तीफा। ईडी के एक्शन को आरजेडी ने बताया बदले की कार्रवाई। एक और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के देवेंद्र फडणवीस पर दिए गए कलंक वाले बयान पर बवाल बढ़ा। उद्धव ठाकरे ने फिर कहा, कलंक शब्द का सही अर्थ बताया तो गुस्सा क्यों आया? पहले लोगों को कलंकित करते हैं, फिर मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। जम्मू के राजौरी जिले में सेना को मिली बड़ी सफलता। नौशेरा सेक्टर के पास एलओसी पर आतंकी घुसपैठ नाकाम कर दी गई है। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 4 ग्रेनेड और कम्युनिकेशन सेट बरामद किया गया है। गोरखपुर लखनऊ के बीच आज वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। 3 कोच की 4 खिड़कियों के शीशे पर लगे पत्थर। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई से सटे वसई में महिला से बीच सड़क पर हुई मारपीट। एक शख्स महिला से हाथापाई करता नजर आया। महिला को बचाने स्थानीय लोग जमा हुए और आरोपी को जमकर पीटा। पंजाब के भटिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज अचानक तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट में इंफेक्शन की आशंका, फरीदकोट अस्पताल में चल रहा इलाज। कूनो नेशनल पार्क में आज एक और चीते तेजस की मौत हो गई है। गर्दन पर घाव मिला, आपसी संघर्ष में मरने की आशंका। 4 महीने में 7 की जान गई है।